डॉक्टर गुलरेशिक। गरी माँ, मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि मैंने जितनी शांति से डॉली जी को सुना और जितना समय आपने इनको दिया, मुझे भी उतना ही मिलेगा। और अभी आप पूछ रही थी कि ये नहीं चाहते कि कांग्रेस पे चर्चा हो, तो सच में नहीं होगी। आपने जो कहा ना अभी कि 24 वर्षों के बाद इनके यहाँ चुनाव हो रहा है, नया अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का बन सकता है, तो 24 साल के बाद ये स्थिति आने वाली है कि 24 अकबर रोड का जो कार्यालय है वहां कुत्ता भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्टी एक लगातार, जिसको कहते ना ग्रेविटेशनल फॉल, उस ग्रेविटेशनल फॉल के मोड में चल रही है। देखिए, हमको फर्क नहीं पड़ता गरिमा जी की कांग्रेस का अध्यक्ष एक्स बने, वाई बने या जी बने, ये इनका आंतरिक मामला है। लेकिन यदि आप मुझसे पूछेंगे बतौर राजनीतिक इसको मैं किस प्रकार से विश्लेषण करूंगा जो हो रहा है, तो आप ये देखेंगे कि रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं अब राहुल गांधी जी। और जिस व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर उभर के आ रहा है उसका नाम है अशोक गहलोत। जहां तक की बात चल रही है, कहीं ना कहीं शशि थरूर जी भी पर्चा भर सकते हैं, वो भी उस रेस में आ सकते हैं। लेकिन मत भूलिए कि शशि थरूर पिछले 2 वर्षों से अलग अलग जगह टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनको आप देखेंगे कि वो नहीं बन पाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं बन पाएंगे। वो क्यों नहीं बन पाएंगे? हो सकता है कि इस इलेक्शन की प्रक्रिया को सही दिखाने के लिए दिग्विजय सिंह जी हुए, कमलनाथ जी हुए, या 2-4 और लोग भी पर्चे भरे, ताकि लोगों को नजर आए, ऑप्टिक्स अच्छे रहे कि सच में चुनाव हो रहा है। पर एक बात मैं आपको ऐतिहासिक उदाहरण देता हूं कि जब शरद पवार साहब और राजेश पायलट जी और सीताराम केसरी जी, इन लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो सीताराम केसरी जी की यदि आप हैसियत देखें, राजनीतिक रूप से बात कर रहा हूं मैं, तो शरद पवार या पायलट साहब से बहुत कम थी। लेकिन उनको चाहता था कांग्रेस का हाई कमान कि वो अध्यक्ष बने, तो वो अध्यक्ष बने थे। तो जो इनकी जो नॉमिनेशन लिस्ट होती है, जो मतदाता की सूची निकलती है, वो कौन बनाता है आप खुद समझिए। और जो वो बनाता है वो ही निर्णय लेता है इस चीज का कि कौन जीतने वाला है। जहां तक बात कर रही है डॉली जी, हर विषय पर हम चर्चा करने के तैयार रहते हैं। कल डॉलर के ऊपर मैंने एक लंबी बहस की थी, आप लोग जिस विषय पर बुलाते हैं हम उसके ऊपर आते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो टिक्का टिप्पणी जो ये कर रही है, ये शर्मनाक है। ठीक है, ठीक है।